हरिओम, मैं सुजाता वीरा शिंदे, मानकापुर नागपुर हिंदी उपासना केंद्र। बापू के पास मैं आई 2012 अक्टूबर से। मुझे बापू के पास लाने वाले मेरे राखी भाई और उनकी वाइफ लता वीरा शिंगटे और रमेश सिंह शिंगटे पूना के। इस दौरान हम लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे, इतना ज़्यादा कि मैं मेरे हस्बैंड और बेटा तीन ही मेंबर्स पर ऐसे लगते थे तीनों के चेहरे तीन दिशा में मुड़े हुए। ठीक उसी वक्त ये दोनों एकदम जैसे शांति के दूत बन के हमारे घर में आए और बापू के बारे में हमको बताया। रात को 3 बजे तक बैठ के ये सब सुनते रहे हम अनुभव, और सुनते सुनते हमें लगा कि और तो कोई नहीं, बस यही हो सकते हमारे सद्गुरु। दूसरे ही दिन हम लक्ष्मी नगर केंद्र, जहाँ पे मैंने बापू का फ़ोटो देखा था, मैंने कहा कि यहाँ पे फ़ोटो देखा इसलिए हम लोग वहाँ गए, और उसके बाद से हम वहाँ जाने लगे। उसके ठीक 2.5 महीने बाद सफला उत्सव पूना में हुआ और लता वीरा शिंगटे का फ़ोन आया कि आप लोग आ जाइए, इस बार सफला बिल्कुल मेरे घर के सामने है, जामुलकर गार्डन्स में है। वहाँ हम लोग गए, वहाँ दर्शन लिए। फिर मेरा बेटा बोला कि मम्मी हम लोग बॉम्बे भी जाते हैं, जा कर के बापू को देखते तो हैं। और हम मुंबई आए। वो दिन था 17 जनवरी 2013। उस दिन इतना कुछ हमारे साथ घटने वाला था, हमको अंदेशा भी नहीं था। वो दिन रात को 11:15 के बजे हम लोग को बापू के चरण पर स्पर्श मिले, और उस वक्त मैंने उनसे एक ही चीज़ मांगा उनके चरण स्पर्श करते हुए कि नागपुर में आपकी सेवा नहीं हुई है, मुझे आपकी सेवा करनी है। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। वापस हम नागपुर आए। 17 फरवरी 2013 मेरे घर में केंद्र शुरू हुआ, और उसके बाद 9 महीने के अंदर नवंबर 2013 में बापू ने हमारे केंद्र को अधिकृत यानि पादुका प्रदान किया। अनुभव तो छोटे बड़े बहुत हैं, लेकिन एक अनुभव मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। ये पिछले साल मई महीने में 2015 की बात है। 2 मई सैटरडे का दिन उपासना हुआ, लोग चले गए, हम खाना खाए, मैं और मेरा बेटा बेडरूम में सोना चला गया, और मैं रात को 1 बजे तक राम नाम की वही लिखती रही। 1 बजे मुझे नींद आ गई। अब नागपुर की गर्मी तो सबको पता है, 46-47 डिग्रीज होता ही है, तो कूलर भी चालू था। जब मैं बेडरूम में गई तब देखती क्या हूँ कि फ़ैन बहुत अजीब सा आवाज़ कर रहा था, तो मैंने उसको थोड़ा स्लो किया तो और आवाज़ बढ़ गया। तो बेटा बोला मम्मी फुल स्पीड में चलने तो फुल स्पीड में कम आवाज़ आता है। ये कह के वो सो तो गया, पर मैं नहीं सो पाई, मैं बैठी रही। मैं 1 घंटा बैठी, वो आवाज़ कुछ कम नहीं हुआ। फिर बापू का फ़ोटो बेडरूम में है, तो मैंने बापू को बोला कि बापू अब मारना है तारना है क्या करना है आप ही देखो, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, अब मैं नहीं बैठ सकती। मैं सो गई। दूसरे दिन उठी तो फैन चालू था, हम भी ठीक ठाक ही थे, सही सलामत। हमारे ऊपर कमलेश सिंह मदने हमारे घर के ऊपर रहते हैं, वो MACB में नौकरी करते हैं और इलेक्ट्रिक का भी छोटा मोटा काम वो करते हैं। तो उनके पास मैं जाके बोली कि भैया प्लीज़ हमारा जो फ़ैन है उसको आप आके देखिए, बहुत आवाज़ कर रहा है। तो बोले ठीक है आज मैं आ जाऊँगा। अब उनको आते आते शाम को 4 बज गए। इस दौरान मैं दोपहर को सो के उठी और मेरा बेटा सो रहा था और फ़ैन फुल स्पीड में चल रहा था। वो 4 बजे आके बोले कि कहाँ है फ़ैन, तो मैं उनको ले गई बेडरूम में, बिस्तर के ऊपर स्टूल रख के वो खड़े हुए, और ऐसे 2 कप्स होते हैं ना फ़ैन के वैसे, तो ये नीचे वाला कप जो था वो उठा के उन्होंने उनके मुँह से एकदम अरे बाप रे निकला। तो मैंने कहा कि क्या हो गया, तो बोले देखिए। फिर मैंने क्या देखती हूँ कि वो जो रॉड रहता है जिस पे फैन लटकता है, ये यहाँ पे एक नट रहता है, वो नट कप का गिर चुका था, ये आखिरी चूड़ी पे आकर के फैन फुल स्पीड में घूम रहा था। ये कैसे हो सकता है, रात भर इस कंडीशन में चला, दिन भर ये कंडीशन में चल रहा है, तब भी चल रहा था। सिर्फ एक ही जवाब, ये हमारे बापू ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। 6 मई को हम लोगों को मुंबई आना था श्री स्वासम के लिए। हम लोग 7 तारीख को पहुँचे और हरि गुरुग्राम गए।
अब वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि बापूजी हमारे सामने से गुजरे और मुझे, हम फ्रंट रो में खड़े थे और थोड़ा आगे गए और मैंने उनको आवाज़ दिया बापू, वो पलट के देखे और मुड़ के आए और मैंने उनको इशारे से कहा, ऐसा इशारा किया और यूँ किया, तो वो इतने प्यार से दोनों हाथ उठा के, चेहरे पे उनका ऐसा एक्सप्रेशन, मुझे देखा, मेरे बेटे को देखा कि मैं हूँ ना, क्यों घबराते हो, ऐसा आश्वासन कौन दे सकता है, इतना बड़ा आश्वासन सिर्फ और सिर्फ मेरे बापू ही दे सकते हैं। हरिओम।